हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड बैक दी वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं किस तरीके से अपने गूगल साइट को इंडेक्स कर सकते हैं। आप कह सकते हैं किस तरीके से अपन गूगल साइट जो कि अपन फ्री में बनाते हैं उसको गूगल के सर्च इंजन में किस तरीके से अपन डाल सकते हैं। वेब मास्टर टूल भी कुछ लोग कहते हैं, गूगल सर्च कंसोल भी उसे कहा जाता है। बहुत सारे कमेंट मुझे इस टॉपिक पर मिले हैं और काफ़ी बार पूछा गया कि सर हमें बताओ कि किस तरीके से हम अपनी गूगल साइट को इंडेक्स कर सकते हैं। और आज की वीडियो पूरी इसी बात पे है स्पेशली कि हम किस तरीके से उसको इंडेक्स करेंगे। मैं आपको बहुत सारे तरीके हैं इसको इंडेक्स करने के बेसिकली, पर मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ उस चीज़ से आप इसके अंदर जो है इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि गूगल साइट क्या होता है, हम कैसे गूगल साइट बना सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर बताया हुआ है, दो लिंक मिलेंगे आपको, उन दोनों को चेक कर लीजिएगा। दो वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। एक वीडियो मैंने बताया है कि क्या पावर है इसकी, हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरी वीडियो में बेसिकली मैंने साफ साफ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि किस तरीके से हम गूगल साइट को बना सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि गूगल साइट बना रखी है और इंडेक्स नहीं हो रही है, गूगल में शो ही नहीं होती है, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो मिस नहीं करिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले बात कर लेते हैं नए लोगों के लिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप सबका सबसे पहले तो शुक्रिया। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और जैसे आप चैनल पे आओगे तो यहाँ पर आप सबके लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो, एफिलिएट मार्केटिंग पर हो, और भी बेहतरीन सोर्सेज पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप उनको चेक कर लेना। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो अभी देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं गूगल साइट्स के प्लेटफॉर्म पर हूँ और यहाँ पर मैंने 2-3 वेबसाइट्स बना रखी हैं गूगल साइट प्लेटफॉर्म पर। इसमें से एक इंडेक्स है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो इंडेक्स नहीं है ये वाली इंडेक्स नहीं है, और कुछ ये 2-3 तो मैंने आपको सिखाते वक्त ही यहाँ पर बन गई थी, तो उनका इस्तेमाल करने वाले अपन, ठीक है। तो सबसे पहले इनको मैं अलग अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक ये है, ये इसका इंटरनल है, ठीक है, यानी कि एडिट वाला सेक्शन है जहाँ से अपन इसको बनाते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं, एक साइट मैंने ये बनाई थी, ये अभी इंडेक्स नहीं है, अपन इसको इंडेक्स करेंगे। ये है अगर यूजर एंड से देखा जाए, ठीक है, ये वेबसाइट है वो, यानी कि यूजर एंड से कोई बंदा जब रिसर्च गूगल पर सर्च करके इस पे पहुंचेगा तो देख पाएगा। और दूसरी वेबसाइट एडिट एंड से ये है, जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से दिखाई देती है बनाने वाले के लिए, और पब्लिश होने के बाद ये इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है, ये मैं एक एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ इसके जरिए, तो आप इसलिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका DAP बहुत हाई होता है तो सर्च में ऊपर शो होता है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ हैं ना उनको जरूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं किस तरीके से हम इंडेक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपका सर्च कंसोल, आपका अकाउंट होना चाहिए सर्च कंसोल में। वो क्या होता है वो तो आपको बता ही दूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली, वो तो अपन जानने ही वाले हैं। पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास ना गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स। अब इसको कैसे बनाना है, ये बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर है। आपको गूगल में सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स, जो पहली वेबसाइट आएगी आप इसका लोगो देख सकते हैं, इस पर आना, और फ्री में आप अपना अकाउंट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर अकाउंट जब बनाओगे आप तो उसके अंदर एक जगह आएगी, वहाँ से अपन इसको शुरू करने वाले हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस पे सबसे पहले अकाउंट बनाना है, इसके जरिए ही हम इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा ये है गूगल वेब मास्टर टूल, ठीक है, जिसके अंदर हमें सबमिट करना है। ये आप देख सकते हो, ये वाली वेबसाइट मैंने इसके अंदर इंडेक्स कर रखी है, अभी आप देख सकते हो। हालांकि अभी कोई विजिटर वगैरह तो नहीं आते इस पर, क्योंकि मैंने कल ही तो इसके अंदर सबमिट किया, थोड़ा समय लगता है क्राउलिंग होने में, इंडेक्स होने में समय लगता है, कई दिन का समय लग जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अभी इंडेक्स की और आप गूगल में सर्च करने बैठ जाओ और गूगल में शो नहीं हो रही, नो, टाइम लगता है, ये टाइम महीनों का भी हो सकता है, कुछ दिन तो लग ही जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। ये वो साइट है जिसको मैंने सबमिट कर रखा है यहाँ पर, ओके। और आज हम सबमिट करने वाले हैं इस वेबसाइट को, यहाँ पे देख सकते हो। तो मान लो कि आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पर बना रखी है गूगल साइट का इस्तेमाल करके, अब हम इसे किस प्रकार से पब्लिश कर सकते हैं। तो आपको इसके यहाँ पर क्लिक करना, आपको 3 डॉट्स पर यहाँ पर इधर ऑप्शन है ना, और यहाँ पर आपको देखना है व्यू पब्लिश्ड साइट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना, अपने व्यू पब्लिश्ड साइट इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे जहाँ पर ये वेबसाइट आपको दिखती है, ठीक है, यानी कि बनने के बाद किस तरीके से पूरी तरह ये दिखती है, वहाँ पर आपको पहुँचना है। और यहाँ से आप क्या करोगे, इसका लिंक कॉपी कर लोगे, ये जो आगे होम लिखा हुआ है ना, होम, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इससे पहले पहले वाले को कॉपी कर लीजिएगा पूरे को, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यानी कि जहाँ पर होम लिखा हुआ ना आगे उसको छोड़ देना आपने, बाकी पूरे URL को कॉपी कर लीजिएगा और आपके गूगल एनालिटिक्स वाले अकाउंट में आ जाएगा। जब आप अपना अकाउंट यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में बना लोगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है एडमिन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, एडमिन पे। जैसे ही आप एडमिन सेक्शन पे क्लिक करते हो ना, वहाँ पर तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें रहती हैं, एक तो क्रिएट अकाउंट, एक क्रिएट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें, हमें क्रिएट प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपके सामने इस तरीके का लेआउट नहीं रहेगा जो पहले मैंने आपको दिखाया,
तब आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके एक बेसिक सा अकाउंट बनाना होता है, जहाँ पर अपनी साइट का नाम वगैरह डालते हैं आप, तो उस समय भी आप अपना वहाँ पर उस वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। फिर आपको एक प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, तब आपको क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होगा। और जिन लोगों ने पहले से कोई अकाउंट बना रखा है गूगल एनालिटिक्स का, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन सेम रहने वाला है, यहाँ पर आकर वो कर सकते हैं। क्रिएट ए प्रॉपर्टी पर आपको इधर क्लिक करना है और ये वाला ऐसा इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, जैसे आप क्रिएट प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको किस तरीके से भरते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नेम, ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर डाल देना है। तो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि वो बेबी स्लीप मिराकल के प्रोडक्ट का रिव्यू है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, प्रॉपर्टी नेम हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आप उसके टाइम जोन को सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट है उसको छोड़ दें। टाइम जोन तो सिलेक्ट कर ही लीजिएगा, अपना जो है इंडिया का वो डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद करेंसी इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप स्टेप नंबर दो पे आ जाओगे। यहाँ पर कुछ आपके जानकारियाँ पूछी जाएंगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प अस, यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह जो भी पूछा गया। तो सबसे पहले इंडस्ट्री टाइप, आपको अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है कि ये किस तरीके की कैटेगरी है जो आपकी वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी इस वेबसाइट की कैटेगरी है। उसके बाद आपको अपना बिजनेस साइज चुनना होता है, ये आप कोई भी रख सकते हैं, और अदरवाइज आप यहाँ पर स्मॉल पे क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब है कितने लोग आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस में काम करते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और रहता है यहाँ पर, हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, ठीक है, तो किस लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम मेजर कस्टमर एंगेजमेंट विद माई साइट और ऐप, ऑप्टिमाइज माई साइट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस तरीके कई सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप अदर पे क्लिक कर दें यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपका रिलेवेंट हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर क्रिएट का एक बटन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ सेट अप द डेटा स्ट्रीम टू स्टार्ट कलेक्शन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस हैं, जैसे iOS ऐप है आपका, एंड्रॉयड ऐप है, या फिर वेब है। तो बेसिकली अपना वेब है क्योंकि वेबसाइट है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना होता है। तो जो मैंने आपको वहाँ से कहा था ना किस तरीके से कॉपी करना है, तो वो हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने अपना पूरा डेटा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसके शुरू में जो HTTPS लगा होता है उसको आपने हटाना है, ठीक है, क्योंकि HTTPS यहाँ पे लगा हुआ है, तो उतना आपको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। ओके, मैंने उसको हटा दिया, आगे HTTP लगा हुआ है। स्ट्रीम नेम यानी कि जो आप दिखाना चाहते हो इसके अंदर, क्योंकि हम एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में कई सारी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो उस हिसाब से आप अपना नाम यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ, बेबी स्लीप। ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट काम जो है वो पूरा हो चुका है, हमें गूगल एनालिटिक्स की ID यहाँ से मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने, तब आपने इस ID को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो ना मेजरमेंट ID, तो इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, चाहे सेलेक्ट करके कॉपी कर लें, वरना कॉपी का बटन रहता है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद वापस आपको आना है अपनी साइट के एडिट एंड में, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट का एडिट एंड है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ये जो गियर का आइकन है ना यहाँ पर सेटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आ जाना है एनालिटिक्स में, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन रहते हैं ना, तो एनालिटिक्स जो ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो आईडी वहाँ से कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। ओके, सिंपल सा काम है। अब आप इसको क्लोज कर दें, यहाँ से सेव का कोई बटन नहीं होता, ऑटो सेव होता है, ये अपने आप सेव हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, इतना सा काम करना है आपको, अपना काम हो गया यहाँ से। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का जो पूरा URL है पूरा, ठीक है, जो पब्लिश्ड साइट का है उसको कॉपी कर लें। अब आपको जाना है अपने सर्च कंसोल में, ठीक है। तो सर्च कंसोल में क्या करना है, जिन्होंने पहले से बना रखी है आईडी, तो उनके लिए तो ऐसा इंटरफेस शो होएगा, जो पहली बार आएंगे ना तो उसके लिए कैसा इंटरफेस शो होएगा, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा इंटरफेस शो होएगा, जब आप गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट बनाओगे, आपने कोई वेबसाइट इंडेक्स नहीं की है अब तक, तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं, एक ये वाला डोमेन नेम वाला और दूसरा रहता है URL प्रीफिक्स वाला। तो हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पर पेस्ट करना है पूरा का पूरा, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, ये लो, इतना आसान काम था। आपकी जो ओनरशिप है वो वेरीफाइड हो चुकी है, क्योंकि हमने इसी ईमेल से अपना गूगल एनालिटिक्स का बनाया था अकाउंट, और उसी ईमेल से हमने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाया है, और आपके पास मेल भी आ जाता है तुरंत कि आपकी जो ओनरशिप है वो वेरीफाइड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बटन मिलेगा गो टू प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करना है। अब बेसिकली वैसे तो आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो चुकी है इसके अंदर, गूगल के अंदर, ठीक है, लेकिन अब ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, अगर हम मैनुअली कुछ ना करें तो काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो मेरी वेबसाइट का URL था ना, जो अपनी पब्लिश्ड साइट का URL है ये वाला, इसको अपन ने कॉपी कर रखा है,
और इसको सर्च करके देखेंगे गूगल में है या नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, URL का जो इंस्पेक्शन का बटन है ना, URL इंस्पेक्शन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस URL को यहाँ पर पेस्ट करिए और यहाँ पर इसे सर्च करिए। ओके, तो जब आप इस तरह URL को सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ये बताएगा, जब आप URL इंस्पेक्शन में क्लिक करके और उस URL को सर्च करोगे तो ये अभी ये बता रहा है कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ा समय लगता है, पर हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं जल्दी इंडेक्स करने के लिए। तो यहाँ पर एक बटन रहता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये काफ़ी समय ले लेता है, 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है और इसको होने दें जो भी कार्यवाही हो रही है। पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि इसे एक बार ही करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि आप ज़्यादा बार करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि गूगल जल्दी कर देगा आपका काम। नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेरी में ऐड हो जाती है आपकी रिक्वेस्ट, और फिर जैसे जैसे नंबर के हिसाब से वो सारों के इंडेक्सिंग चलती रहती है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना सबमिटिंग रिक्वेस्ट, तो ये सबमिट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड URL वाज एडेड ए प्रॉपर्टी क्राउल क्वेरी सबमिटिंग पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इन क्विक क्वेरी पोजीशन। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि बार बार सबमिट करने से उनका नंबर चेंज नहीं होएगा, हमने आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर प्राप्त कर लिया है और आपको गो टू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो इसको टेस्ट लाइव URL भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करोगे ना तो अभी इसी वक्त ये चेक करके बताएगा कि आपका URL गूगल में है या नहीं है, जैसा कि हमें वैसे तो पता ही है कि वो नहीं है अभी तो, क्योंकि समय लगता है थोड़ा सा। ओके, क्या बात है, ये तो इसने अभी इंडेक्स कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो URL इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, तो ये तो जल्दी इंडेक्स हो गया। पर कई बार क्या होता है जब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यार, ये धीरे धीरे हो जाता है अपने आप। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना बैकलिंक्स वगैरह बनाइए और सोशल मीडिया के थ्रू उसको प्रमोट करिए, धीरे धीरे ये रैंकिंग में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो साइट है गूगल साइट की उसको इंडेक्स कर सकते हैं गूगल में। ये मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया, मेरा तो तुरंत यहाँ पर इंडेक्स हो चुका है, पर ये धीरे धीरे सर्च में आना शुरू हो जाएगा और इसकी रैंकिंग भी ऊपर चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखा करो, उसमें कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया करो जो सर्च में आए, तभी वो जल्दी सर्च में आएगी। उम्मीद करता हूँ आपके सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई सवाल बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितना हो पाएगा मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।